तो ये रहा मैप, और लगता है आगे ही जाना होगा। आगे ही जाना होगा, रास्ता किधर है? पीछे से ही आया है। बाबरा तो चलते आगे, हाल ढूंढते हैं एक पोकेमॉन सेंटर। हे, और बताना ही भूल गए कि हम लोग नया अपडेट लेके आ चुके। ये देखो, नए नए पोकेमॉन्स तो नहीं है, लेकिन यार अब हमें पोकेमॉन सेंटर में पोकबॉस भी मिलेंगे। हाँ, और हमारे यार पिछली बार गुफा में जाके अपने दो चार पोकेमॉन भी बेहोश पड़े, ये देखो मियो, लेकिन अभी इसको पकड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास हर वक्त पोकबॉल का यार कमियां ही होते हैं। बाबरा, लेकिन अब से नहीं, पोकेमॉन सेंटर ढूंढने का, और उधर से हमें पोकबॉल भी मिल जाएंगे। खेलने में अब तो यार हर रोज वीडियो भी डालेंगे। ओए, आगे देखो पोकेमॉन सेंटर मिल गई। ये सब हुआ है मैप की वजह से। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। यार हमें चाहिए पोकबॉल्स, और हम चलो इधर से घुसते हैं। ओए, तू भी इन कॉकरोचेस के साथ लगे लगे। ओए मुन्ना, तू भी चोर बन गया। अबे कहना क्या चाहता है, ये तो स्टाइल है अपनी अपनी। चलो इधर से चलते हैं, दरवाजे से नहीं, सीधा सरप्राइज देने के लिए हम दीवार फोड़ के आते हैं। अबे क्या है मिस, इसका नाम क्या है, भूल गया मैं तो। बाबा रे, इससे लेना देना नहीं है, अपन को अपना पोकेमॉन को एकदम ठीक करना है रे। हे, ठीक हो गए अपने पोकेमॉन, चार चार पोकेमॉन है। अबे कब से चाह रही है, दो चार और नए पोकेमॉन पकड़ लेते हैं यार। और लेकिन ये बताओ, हमें पोकबॉल मिलेंगे किधर? हे भैया, ये देखो इंडर चेस्ट में मिलेंगे हमें पोकी बॉल्स। हे, ये देखो दो पोकबॉल मिल गए। ओए, इधर तो मास्टर बॉल भी है मुन्ना। हाँ भैया, इसलिए तो मैं एकदम अक्का पक्का रह गया। चलो यार, एक 64 बॉल है सिंपल वाले पोक बॉल्स, और एक मास्टर बॉल 8 है यार। और ये देखो, ये एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन इससे क्या करते हैं वो मुझे पता नहीं। अबे इसको अभी छोड़, चल चलते हैं पोकेमॉन पकड़ने के लिए, बॉल्स आ चुके हैं। बाप रे, अब पोकेमॉन्स लोग तैयार हो जाओ। हे, मेरा है वन ऑफ द फेवरेट पोकेमॉन मैंकी। ओए, ये एक फाइटर टाइप पोकेमॉन है ना मुन्ना? हाँ भैया, फाइटर टाइप पोकेमॉन है यार, इसको ही पकड़ेंगे। लेकिन इसको पकड़ने से पहले इसको टॉर्चिक से लड़ा के इसको थोड़ा सा कमजोर करते हैं। हाँ भैया बिल्कुल सही, ताकि हम मैंकी को अच्छी तरीके से पकड़ पाए। है यार, आज के दिन में हमारे पास एक नया पोकेमॉन आएगा ही। अबे ढक्कन अभी खुश मत हो, वो तो भक्ति बताएगा। भक्त नहीं, टॉर्चिक बताएगा, तो वो फायर अटैक करेगा इस तरीके से। ओए मैंकी भी घुसमबाजी कर रहा है, लेकिन भैया टॉर्चिक से घुसमबाजी नहीं करने का मैंकी, ये एक फायर टाइप पोकेमॉन है, तुझे आग से जला देगा हमारा टॉर्चिक। ये टॉर्चिक के ऊपर भारी बढ़ रहा है मुन्ना। यप्पा बर, स्किल फिर यूज करते देखते। ये भी मुझे नहीं लगता अच्छे से काम कर रहा है, स्किल 1 ही ठीक है जो ये फायर अटैक करता है। अरे यार, वो मैंकी को यार छोड़ेगा नहीं हमारा टॉर्चिंग। टॉर्चिंग यार, तुम्हें मैंकी को हराना ही होगा। अबे मुझे लग रहा है ये मैंकी हार ना जाए। यब्बा बरा, तू बकलो, ज्यादा पुन की मत लगा, टॉर्चिक तू कर सकता है मेरे भाई। हाँ टॉर्चिक, दिखा दे अपना कमाल, मेरे यार चिरकुट एकदम हरा दे उस मैंकी के बच्चे को। हे यार, हमें जीतना ही होगा टॉर्चिक मेरे भाई। ओए मैंकी देखो, ओए मैंकी हारने वाला था, लेकिन हमारा टॉर्चिक पहले भी होश हो गया। हाँ भैया, क्योंकि उसे जिंदा भी तो रहना है, नहीं तो मर जाएगा। और मैंकी, अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। ओए, इसको मास्टर बॉल से पकड़े गया। हे भैया यार, ये आइडिया भी ठीक है, पोक बॉल ज्यादा फेंकने से अच्छा एक ही बार मास्टर बॉल फेंक देते। अरे ये गया क्यों नहीं? ओए लगता है कुछ ग्लिच हो रहा है। बाबर को समझ नहीं आ रही है, बाबर मास्टर बॉल चली गई। ओए क्या लगता है भाई, ओए आ गई हमारे पास एक नया पोकेमॉन आ गया। या बल्ले बल्ले, अब सावा सावा, नया पोकेमॉन है। अरे इससे तो हमारी पिछली बार की बदला है भाइयों, इसको तो पकड़ना ही होगा, इसने हमें पिछली बार चकमा दिया था। अबे इस बार इसके साथ हम बराबरी कर लेते हैं। अबे इस बार तो हमारे पास पोकबॉल है और पोकेमॉन भी है, बच के जा नहीं पाएगा सारे बच्चे। गैरडोस से कैसे लड़ेगा साले के बच्चे, बोल बोल। हे यार, हर साइड पे ही पोकेमॉन सेंटर है, हमारे कितने पोकेमॉन को बेहोश करेगा, हम लोग उन लोग को फिर से रिवाइव कर ही डालेंगे साले के बच्चे। अबे यार, हमारा एकदम गैरडोस इसको पानी की अटैक मारेगा। बाबर, लेकिन ये फ्लैंक टाइप पोकेमॉन का पानी की अटैक से कुछ ज्यादा कुछ असर नहीं हो रहा है रे। अबे रुक जा थोड़ी सी, अभी गैरडोस और भी अच्छे से मारेगा। गैरडोस पूछ से मार इसको। ओए गैरडोस मार इसको। ओए तू क्या कर रहा है दल्ले की तरह? ओए एक सवाल से हार गया तो बेइज्जती होगा, इतना बड़ा तू पोकेमॉन है और सवाल इतना छोटा है, हार मत जाना।
गए भैया यार, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, पोकेमोन फाइट में कुछ भी हो सकता है। ओए तू यार जो बैट डल ले, ओए जीतेंगे जीतेंगे हम ही जीतेंगे। हे यार उम्मीद तो वही है, जीत डालो गैरडोस, तुम्हें जीतना ही होगा। ये बाबा रे जो होगा देखा जाएगा, तू बस एकदम इसकी चड्डी गिली करता रहे गैरडोस। हाँ यार, इसने पिछली बार हमारे सभी पोक बॉल्स को खत्म कर दिया था। गैरडोस पानी से इसको मुंह में मार। ओए और मां, अबे क्या हो गई ये? लगता है तुम्हारे ज्यादा मोटिवेशन की वजह से गैरडोस ने उसको सच में मार दिया। वो तो सच में मर गया। अबे ये क्या हो गया, किसी ने देखा तो नहीं है यार? ओ क्या हो गया, सॉरी भाइयों ये कुछ ज्यादा गलती हो गई। हम पिकाचू के साथ लड़ाते एक सोलो को पकड़ेंगे, इधर दो चार सोलो और हैं। ओए तो चलो वो सालों का लगता है हमारे नसीब में नहीं था, कुछ गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं है यार, अब तुम लोग ज्यादा जोश में मत दिलाना फिर पिकाचू को। अबे वो वैसे भी जोश में नहीं आते वो पिकाचू, मुझे पता है वो सालों के साथ हार ही जाएगा। चुप कर दल्ले, हमारा टॉर्चिक ने कैसे प्राइमेप को हरा दिया था मुझे पता है, पिकाचू भी ये करेगा, लेकिन ये सवाल तो उड़ उड़ के मर रहे हमारे पिकाचू को। इस वाले ने तो पिकाचू को पहले भी उस कर दिया रे। हे लेकिन अब हम इस वाले को पकड़ के रहेंगे। पिकाचू तुम इधर ही बैठो, तुम्हें हम बाद में लेके आएंगे। लेकिन हे सालो तुम्हें, ए इसने फिर से मदद चुका दिया। आइए बदला ले रहा है लगता है। अबे इसके एक दोस्त को हमने खत्म तो कर दिया। हे यार सॉरी सालो, लेकिन तुम्हें हम अच्छी तरीके से रखेंगे। आजा बहुत अंदर आजा, फिर से भाग गए। ये ले दल्ले, आप तो आ जा यार सिंपल पोकी बॉल से, और नहीं तो मास्टर बॉल यूज करेंगे हम लोग। हे लगता है मास्टर बॉल यूज करना ही होगा। हे दल्ले एक मास्टर बॉल इसने गायब कर दिया। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। एक मास्टर बॉल का कीमत तुझे पता है क्या दल्ले? ये हो जो अब भाग के किधर जाएगा देखते हैं। फाइनली हमने पकड़ लिया एक सालों को। अबे यार ये हमारे पास एक ब्लैंक टाइप पोकेमॉन भी आ गया। हमारा पिकाचू आजा मेरे भाई, तूने भी बहुत अच्छा काम किया। हे यार अब हमारा एडवेंचर बहुत ही खूबसूरत बनेगा, क्योंकि हमारे पास एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन भी है, फाइटर टाइप पोकेमोन भी है, इलेक्ट्रिक टाइप भी है, वाटर टाइप भी है, और एक फायर टाइप बोलना भूल गया क्या? हे भैया फायर टाइप भी है। अब बस एक ग्रास टाइप पोकेमॉन चाहिए, उसके बाद अपना एकदम फिटूस हो जाएगा। हे यार लेकिन वो बाद में पकड़ ही लेंगे भैया एक ग्रास टाइप को भी। है उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, बस अभी इधर से निकलना है। हे यार पहले अपने दो चार पोकेमॉन जो ब्लोट हुए उनको यार जिंदा कर लेते, टॉर्च कर पिकाचू को। है वो लोग भी तैयार हो गए, अब एडवेंचर में चलेंगे भाइयों। और यार पहले तो ट्रेनर्स लोग को ढूंढना होगा, उन लोग को मजे चुकाएंगे। अरे बाय बाय भाई, क्या इधर हालचाल, देखते हैं ट्रेन में क्या दे रहा है। है यार 20 कॉइन में ये क्या दे रहा है, और यार 25 कॉइन में ये है एकदम खतरनाक बॉस भी दे रहा है। लेकिन अभी हमारे पास उतना भी पैसा नहीं कि हम तुमसे यार ये खरीद पाए, और लेकिन वादा करते हैं अगली बार आएंगे वो बहुत सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद, तब लेंगे वो एकदम जबरदस्त चीजें। हे ना मुन्ना, बिल्कुल सही बोला भैया। और तो चलते हैं इधर से। या बाबा रे लेकिन जाना किधर है? अबे जहाँ मंजिल लेके जाए उधर ही जाएंगे, और बीच बीच में जो पोकेमॉन ट्रेनर्स मिलेंगे उनका एकदम खात्मा करेंगे। हे बिल्कुल सही बोला तूने यार लंबू। हे चलो चलो कदम कदम बढ़ाए जाओ, आगे बढ़ते जाओ। चलो तो फिर यार एकदम देखते हैं क्या आगे आता है। ओके देखते हैं। हे यार वो देखो आगे एक और पोकेमॉन सेंटर। आज लगता है भगवान मेहरबान है। ये अच्छी बात है, ट्रेनर मिल गया। ये बाबर आजा मेरे भाई, तुझे इस बार मजा हम चुकाएंगे। अरे यार तुम लोग फिर से, इस बार तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आए हैं। जिगली पॉप लेके आता है विगली पॉप। हे देखो और माइनिंग फैटिक पहले से ही लगा दिया इसने। तू माइनिंग फैटिक हमें लगाएगा और हम हारेंगे तभी ना लगेगी हमारे ऊपर। हाँ तभी ना लगेगा जब गैरडोस। अब बोल क्या करेगा दल्ले? अरे यार गैरडोस को मेरा विगली पॉप राइट दे गया। अबे ऐसे बोल रहा है कि गैरडोस एक बच्चा है, रुक जा अभी, रुक इस गैरडोस को नहीं, तुझे हम अपना नए पोकेमॉन से लड़ाएंगे। अरे जो भी लेके आ बच्चे लोग, मैं डरता थोड़ी ना हूँ। तू अभी डरता है या फिर क्या करता है वो तो हमें पता चलेगा ना। ये बबर सोलो इसको सुप करके खा ले रे। अरे सोलो तुम्हारे पास सोलो है, फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन, कोई बात नहीं विगली पफ अच्छे से लड़ना, वो एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। हे हमारा सोलो तुम भी अच्छे से लड़ना, वो विगली पफ एक पिद्दी पोकेमॉन है। रा रा ला, अरे ये क्या हो गया? तो फिर नीडोरैन तुम तैयार हो ना? हे नीडोरैन को लेके आया है भैया, किस पोकेमॉन को निकाले?
और रुक जा, इसको सरप्राइज देंगे। ओए पोकेमॉन में चले गए और इसके बाद स्लर्प यानी कि टॉर्चिक। अरे कितनी बार हरा उस टॉर्चिक को। अबे बस इस बार हरा के दिखा। टॉर्चिक ने अभी एक प्राइमर को पकड़ने में हमें मदद की है, तुझे क्या पता। हाँ, और इसको खोद के मैं लड़ाता हूँ। इसने माइनिंग फटिक लगा दिया तो मैं भूल ही गया। अरे तुम जैसे भगोड़े भाग भी जाते हो ना, इसीलिए। ओए भगोड़ा किसको बोला। ओए टॉर्चिक रुक जा, अंदर आ जा तू और इधर से बाहर निकल और इस निडोरैंड को मुझे चखा दे। यार ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा भैया, टॉर्चिक तुम्हें करके दिक्कत नहीं होगा। फायर अटैक समझ गए ना टॉर्चिक। ओए फायर अटैक से इसकी और एकदम गुटिया जला दे। ओए टॉर्चिक ऐसे नहीं, रुक जा, स्किल वन यूज कर। ओए टॉर्चिक तुम्हें करना ही होगा, ये कर दे। ओ ये हुई ना बात। अरे नहीं, लेकिन तुम्हारा टॉर्चिक खत्म। हे यार हमारा टॉर्चिक तो सच में भी होश हो गया। अरे बोला था ना तुम जैसे नूबड़े लोग को समझ में नहीं आता क्या। ओए नूबड़ा बोलता है तू, या बाबर है, इसको तो मुझे चक्कर नहीं होगा, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। दल्ला रुक जा, तेरे को अभी आते हैं गैराडोस। नहीं गैराडोस से कुछ ज्यादा ही लड़ लिए। हे गैराडोस अभी तुम रेस्ट करो, हम इसको अपने नए पोकेमोन यानी कि प्राइमेप से लड़ाएंगे जो स्लॉट 5 पे है। कैसे पिद्दी हो जिसको ये भी पता नहीं कि स्लॉट पे कौन सा पोकेमोन है यार, ये हमसे लड़ने आए। हे दल्ले हमें पता है स्लॉट 5 पे हमारा प्राइमेप पिता प्राइमेप इसने बहुत बेइज्जती कर दिया हमारा, मार उसको घुसमबाजी मार। अबे को खत्म कर दिया तो क्या वाइपिंग्स मेरा फाइट टाइप पोकेमोन। हे हमारा प्राइमेप एक फाइट टाइप पोकेमोन है, प्राइमेप हार मत मानने का, इस बॉलपिस को मुझे चकाने का। ओए इस तरीके से तो नहीं होगा, पूरी तरीके से अटैक कर। ओए ये नहीं हुई। हे यार लगता है मुझे अटैक ही करना होगा प्राइमेप। मैंकी ऐसे नहीं, सॉरी मैं अभी तक यार प्राइमेप बोल रहा था मैंकी को। हे यार मैंकी तुम्हें करना नहीं होगा अटैक मोब, अब जाके घुसमबाजी करो। हे ये हुई ना बात, हरा दिया मैंकी ने। अब बोल ना ये क्या लेके आ गया ये बासुर। रुक जा पहले हमें अपना मैंकी को अंदर लेने दे। अरे डर गया क्या। ओए डरे नहीं है डरे, हमारा दुश्मन इस बासुर को अब कैसे हराए हम लोग देखते हैं। हे भैया गैराडोस को निकालना होगा, एक बड़ा पोकेमोन बड़े पोकेमोन से लड़ेगा। अब बोल, अब आया ना खेल में एकदम बराबरी की टक्कर। अब इसकी लत बोलती बंद हो गई। और गैराडोस देखो कैसे पूछ मर रहा झापड़ में झापड़। ये ले तेरी बासुर का खेल खेकन। बाबा रे अब बोलना क्या होगा। अरे यार उसने सच के कर दिए, कोई बात नहीं, तुम्हारा माइनिंग फटिक चली गई और ये लो मैच के बदले में कुछ कॉइंस और बैज। हे यार अब अगली बार से अच्छे से बोलना चिरकुट, नहीं तो तेरे को मैं इधर ही एकदम खोद डालेगा। चलो अब उसको तो खत्म कर दिया, अब हमारा पोकेबॉल सेंटर आ गई है। लेकिन अभी पोकेबॉल सेंटर नहीं, एक गांव को ढूंढना होगा भाइयों। हाँ यार ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे अपने एडवेंचर में। ये क्या इसको भी खोल डालते हैं, पता नहीं इसे क्या होता है लेकिन खोलने में मजा आता है। ओके तो हम लोग ने अपने थोड़ी बहुत पोकेमोन लोग कभी एकदम फेंटेड से एकदम जगा दिया और आगे ही देखा हमें एक गांव भी मिल गया। हे यार आज तो सच में लक एकदम यार साथ दे रहा है, अब चलते उस गांव में थोड़ी बहुत लूट मचाते भाई। ये तो अपनी आदत ही है। ओह कितना बढ़िया गांव है, पोकेमोन सेंटर भी है इधर। और ये इन लोगों को कितना हरा है यार, तू कितनी बार आता है और फिर से लड़ना है क्या तेरे को। हे भैया ये वो वाला नहीं है, उसका भाई लगता है, चल चला जाओ, इसके पास भी बांस हो रहे हैं। ओए जल्दी से इसका खेल खत्म ही कर देते हैं। ओए रुक जा, फिर से एकदम निकालना होगा अपना गैराडोस, खत्म कर दिया इसको। हे यार हमें पता है एक ग्रास टाइप पोकेमोन को गैराडोस कैसे मदद करता है, वो भी पूंछ से मार के खत्म। और बोल तेरे पास दूसरा क्या है, बेल्स प्रो। यार ये भी ग्रास टाइप है, इसके भी यार गैराडोस मजे से मजा चिकाएगा। ये ले 3 शॉट में खत्म कर दिया। है लगता है ये हमें कॉइन देने के लिए आया था, कॉइन भी दे दिया बैच भी दे दिया। थैंक यू भाई थैंक यू, एकदम अच्छा किया तूने यार। है यार बच्चे आ गए इस गांव में आके तुम। ओए लेकिन उस गांव में वो कौन है। ये पावर लगता है इस गांव में टीम रॉकेट ने कब्जा करने का सोचा है। हे दल्ले तो टीम रॉकेट से है क्या यार, तुम्हें उससे क्या। ओए तुझे रोकने के लिए आए हैं हम। कहने तुम लोग रोकोगे मुझको। अबे डकेन तुझे रोकने के लिए नहीं, बस तेरे पोकेमोन को एकदम दो चार झापड़ और तेरे को भी गायब करने के लिए आए। ये बाबर इसको अगली एपिसोड में देख लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।